इंपॉर्टेंट सेक्शन तमाम घणो 245 विथड्रॉ कंप्लेंट या केस जेका थींदी आहे 248 में थींदी आहे 249 ऐं 249 में ख़बर कहिड़ो फ़र्क़ु आहे पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग वेन नो कंप्लेंट अगरि कंप्लेंट नथो हुजे ऐं ॾिसो था की नथो अचे त उनखे प्रोसीडिंग स्टॉप कबो ऐं उनखे छॾे ॾिबो ठीकु आहे छॾे ॾिबो पर 249 में इहो आहे उनखे अक्यूटल करे छॾींदो नथो अचे त 249 में माना केस ख़तमु न थींदो अक्यूटल न थींदो सम्झो अक्यूटल थी वेंदो उन खां समय ट्रायल आहे 260 खां 265 ताईं ॿुधायल प्रोविजन समय ट्रायल थोरो सम्झाइजे चङी तरह सां समय ट्रायल छा आहे 200 बाबा समय ट्रायल जेके नंढा नंढा इस्तेमाल पिटी मैटर्स वग़ैरह हूंदा आहिनि जंहिं सां 6 महीने खां वधीक न हुजे उन समय ट्रायल हलंदो आहे जेको 60 ॾींहनि में ख़तमु थियणो हूंदो आहे ठीकु आहे डे टू डे प्रोसीडिंग्स हलंदियूं आहिनि हिन में का एडजमेंट वग़ैरह कोन थींदी आहे समय ट्रायल ओके उन खां पोइ वियासीं हाई कोर्ट ट्रायल प्रोसेस त साॻियो ई हूंदो न साॻियो प्रोसेस सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट एवरीथिंग ओके एवरीथिंग इज सेम पहले अपील वगैरह न थींदी यादि रखियो समय ट्रायल कॾहिं बि अपील न थींदी गॉट इट राइट सर राइट हाणे सेशंस ट्रायल में हिननि में अपील जो टाइम पीरियड घणो हूंदो आहे सेशन टू हाई कोर्ट हा 60 ॾींहं 60 ॾींहं 60 डेज यस यस ऑफ कोर्स श्योर ओके उनखां पोइ 255 सेशन 255 माने छा को फर्स्ट सेकंड थर्ड आहे ये तो हाई कोर्ट ट्रायल 255 255 ए का 255 एन ते हाई कोर्ट सेशन ट्रायल सागो आ अच्छा व्हाट इट न वेट कर 240 एक ते 49 ए ते 250 कमिटेड आ अच्छा ये चल चैप्टर कमिटेड आ यस कई 260 ते आ रही 260 खां 255 ते समय ट्रायल आहे सॼो परवेन ॿुधायल आहे 255 ए खां 255 एन ताईं जेको आहे उहो हाई कोर्ट सेशन ट्रायल ॿुधायो साॻियो ई जेको ॿुधायो मां प्लीड गिल्टी फलाणो फलाणो वग़ैरह वग़ैरह सभु कुझु साॻियो ई साॻियो अचे भई हिकिड़ी हिकिड़ी शइ वग़ैरह जनरल हूंदो आहे ऐं जेको न हुन में 245 में अक्यूटल कंदा आहिनि ऐं 255 के में अक्यूटल कंदा आहिनि के में सेशंस 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 हाई कोर्ट जो भी आयो लोगो सेशन ना बहुत बहुत ठीक है हाई कोर्ट एंड आने दिया भाई एको विच मोमेंटेड आ दिया 600 दे 670 ये का पहुंच गया यानी और सो 670 का 352 जाते टेंडर ऑफ पार्डन अच्छा टेंडर ऑफ पार्डन और एक्सप्लेन कर जो सर मेरे मतलब माना टेंडर ऑफ पार्डन माना के माफ कर दे कर समझियो तो अगर गुड बिहेवियर आ उनजो उन सजा घट जी सके थी उनजे प्रोविजन 188 दे माना है सागो किसो करे छरी जे को हने में होयो लागेट आरो माने लागेट आरो सेक्शन तो खणी सके ना सर वर्ड वर्ड एक सेक्शन ना स्किप कर बीच में एडो विच ओमिटेड है एको 255 का 260 ने ओमिटेड है और 270 ते थे डायरेक्ट ठीक है ठीक है सर ओमिटेड माने अच्छा खत्म रिपेयर नल एंड वॉइड नहीं जरूरत ही ना है यस कंटिन्यू सर टेंडर ऑफ पार्टन टिकम इन केस ऑफ एनी ऑफेंस ट्राइबल एक्सक्लूसिव एट हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन और एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट विद मैक्स टू 10 इयर्स और एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेकंड बस यार आप पाकिस्तान पेनल कोड But you explain your words. Yes, sir. Not reading books. माना अगर जेके भी ऑफेंसेस आहिनि उनमें टेंडर ऑफ पार्डन थी सघे थी एक्सेप्ट
जेके उन ऑफेंस में के टेंडर ऑफ पार्डन ना मिलो, जे में स्पेशली हर्ट या कत्ल में जो को ऑफेंस वगैरह में को मान मिलो, उन के टेंडर ऑफ पार्डन ना मिलो, एक्सेप्ट द परमिशन ऑफ विक्टिम्स, एक्सेप्ट द परमिशन ऑफ विक्टिम्स। उमे टेल लिख दी। हम्म, लिखी 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 जाऊं दी। By court in the pardon the grand court with the permission of legal heirs and before judgment they got data pardon thing yeah after judgment nothing yeah before judgment yes the tender of pardon test such treaty before judgment they can grant thing yeah and hurt and qatl kha jo sawab exception na only when party they can benefit sabin medicine da चाली बस चाली कंप्रोमाइज कंटिन्यू इंपोर्टेंट ये है निगाह पर राइट ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट टू अ प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड बाय डिफेंडेंट कंपनी द विटनेस इज आई एंड प्रोसीजर बाय क्यू नॉट अंडरस्टैंड द प्रोसीडिंग जैसे कि ताले में बताया लगे अक्यूज प्रोसीडिंग न तो समझे या उनके उन्हें लैंग्वेज में समझाया वो जो लैंग्वेज समझे तो टेस के तारीख में प्रोग्राम बुधायला टेस बायतारी बदल पावर टेस माइंड अक्यूज्ड बुधन 342 में एक्सपेरिमेंट थी या एग्ज माइंड अक्यूज्ड एग्जामिनेशन जन अक्यूज्ड थी या उन्हें में माना बुधायला बाबा ये थी तो क्वेश्चन वगैरह थी ना उन्हें उनके लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा विंदा उन्हें को चार से पढ़ी बुधायनी या सर प्रोसीजर बुधायला पावर टू पोस्टपोन एडजोन प्रोसीडिंग जो पा जज जो पा एप्लीकेशन एडजोनमेंट जगह थी अगस्त 17 ए सी आर पी सी में जगह एडजोनमेंट थी वह थी 344 344 एडजोनमेंट या एप्लीकेशन लिखा 44 एडजोनमेंट दिखाओ 344 मोस्ट वकील को एडजोनमेंट बताएगा बट सेक्शन लगा अंडर सेक्शन 342 44 रिमांड ठीक है बस अकॉर्डिंग एविडेंस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल करो मुड़ा मुझे बता 307 जा प्रोसीजर फॉलो कर ली अभी कंप्लेंट 307 देना पर 580 सॉरी 580 ना 580 दे पोते ना 307 जा पोता ये बदान 353 में चाहते हैं 353 में चाहते एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड मतलब जो कौन एविडेंस वगैरह बात ये प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड है बैनर करो रिकॉर्डिंग 354 में बताया ना वो बैनर वो हुंदो ਇੰਜ ਜਗਰ ਨਾ ਤੋ ਤੇ ਦਬ ਖੇਰਾ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਬੁਧਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸਭ ਬੁਧਾਣਾ ਜੱਜ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਨਾਉ ਚੈਪਟਰ ਚ ਆ ਗਈ ਨਾਉ ਚੈਪਟਰ ਆਏ ਬਾਬਾ ਆਪ ਜਜਮੈਂਟ ਜਜਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕੋਟ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੀ ਟੈਸ ਮਨ ਟੈਸ ਤੋਂ ਟੇਮ ਜਾਗਾ ਟੈਸ ਤੋਂ ਜੋੜ ਤਾਂ ਟੈਸ ਤੋਂ ਜੋਂ ਜਾਗਾ ਟੇਮ ਜਾਗਾ ਟੇਮ ਜਾ ਤਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਟੈਸ ਤੋਂ ਟੇਮ ਜਾਗਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪੂਰਾ ਜੈਪਟਰ ਯੂ ਆਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵਾਲੋ ਟੈਸ ਤੋਂ ਟੇਮ ਜਾਗਾ ਟੈਸ ਤੋਂ ਚੋੜ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਰ ਪੂਰੇ ਬੁਧਾ ਲਵਾ ਮਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬੜੀ ਪੋ 366 ਕਾ 366 ਕਾ ਬੁਧਾ ਲਾ ਇਹ 373 ਤਾਂ 373 ਤਾਂ 366 ਜਜਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਨੇ ਵੀ ਮੂਡ ਆਫ ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਜਜਮੈਂਟ ਟੌਪ ਇਨ ਕੋਰਟ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਨਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਖਤਮ ਤੇ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾ ਵਿਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵਾ ਜਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਨੀਆ ਅਕਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕਾ ਸੋ ਜਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਦਾ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕਾਉਂਦੀ ਉਹਨੇ ਮੇ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੀ ਪਰ ਜੇ ਕਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਬੁਦੋ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀਆ ਠੀਕ ਆ एक और खास इंपोर्टेंट है हां यार आए मतलब वडो इंपोर्टेंट सेक्शन है 374 जगह सबमिशन सेंटेंस फॉर द कंफर्मेशन जगह डेट वगैरह आई कुछ सेशन कोड दे कंफर्मेशन दे कैसे सेक्शन में जावा 374 सबमिटेड थी हाई कोर्ट में कंफर्मड बाय हाई कोर्ट आई और 375 में हाई कोर्ट ने पावर ऑफ डायरेक्शन दी सभी वाली फादर इंक्वायरी कयो देखो एक सेक्शन लिखियो जो तक कंफर्मेशन लागी दिया 375 में हाई कोर्ट के पावर हुआ कंफर्मेशन का या रिकन एविडेंस वगैरह हाई कोर्ट कंफर्मेशन के यस इंक्वायरी जी नबो चूते हैं तू जल्दी से कहीं आंदी है सेशन जे चूते हुआ जे मन डबा पर अच्छा सा 3 मिनट ही थी लगे थी हां हां और बाहर से इट मे बी एनी रीजंस जे लग रहे हैं इट मे बी रीजंस मे बी रीजंस That is why he can transfer to inquiry to further decision judge. अच्छा लगा हम
कंफर्मेशन जो कहने हाई कोर्ट कंफर्म कर दी विद इन 7 डेज कर दी ना 7 डेज नहीं थी उन जो टाइम लगेगा अपील का भी 7 डेज है ठीक है पावर ऑफ हाई कोर्ट कंफर्म देन जो एनीवेज कन्विक्शन टेस्ट चार टाइम कर कंफर्म के सेंटेंस तो 75 में एक डायरेक्शन दी फादर कर दिया तो 76 में कंफर्म कर सके थी 77 में या कोई को भी सेंटेंस जवाब कर सके दिन खत्म करे कंफर्म द सेंटेंस व्हाट इट 77 यस 77 में लॉन्ग सेंटेंस दी थी उन्हें खत्म करे 76 में कंफर्म के सेंटेंस के 74 में डायरेक्शन दी वापस उन्हें कोर्ट के डायरेक्शन दी एविडेंस वगैरह भी कलो कयो एंड 74 में एप्लीकेशन में कंफर्म हो ऐसा समझे रिवाइज लेट कंप्लीट सेंटेंस लेट सेंटेंस हां ठीक है थियो ठीक है 74 में चाहती दो डेथ पेनल्टी कंफर्म कर लो माणी मिंदी ठीक है 75 में क्वेरी द पावर ऑफ हाई कोर्ट फर्दर इंक्वायरी फर्दर इंक्वायरी फर्दर में 74 में डेथ सेंटेंस कंफर्म डेथ सेंटेंस 77 में वे क्वार्टर का नहीं बने बाय पर टू जजेस होगा वो एक में क्वार्टर का था पर टू जजेस का था आर्यन जी ना दिया री नौ जब पे स्टार्ट थियो 381 गाने थे।